Once again, welcome to the Suji Sir class. And already we are in the process of understanding Article 370. Now we are discussing about the significance of Article 370 of our Constitution. इसमें already हमने पिछले video में हमने discuss की थी कि Article 370 के बारे में. और अभी हम थोड़ा बहुत इसको revise करते हुए करतेंगे. Article 370 of the Constitution signifies special status for Kashmir. ये कश्मीर को एक special status देता है Article 370. और Article 370 एक greater autonomy for Jammu and Kashmir. It also specifies that the state has its own constitution. So इसके दौरान Article 370 के तहत उन्हें उनका उनके पास एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर है. ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट. ये जो हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब लागू नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. ये होता है आर्टिकल 370. ओके, आर्टिकल 370 के बारे में जब हम देखते हैं यहाँ पे तो एक प्लेबिसाइट भी उन्होंने बनाए थे और डिमांड किए थे ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी के लिए. सो उनकी जो डिमांड थी राजा हरि सिंह के साथ जब उन्होंने एग्रीमेंट की, उसके बाद बहुत सारे डिमांड अनफुलफिल रह गया. इसके लिए उन्होंने बनाए थे एक प्लेबिसाइट भी. और वेरियस पोजीशंस ऑन द इश्यूज ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी फॉर कश्मीर. जो द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस थ्री डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट. ऑलरेडी हम मैंने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक थ्री डिफरेंट रीजन से डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू द सोशियो एंड जियोग्राफिकल यूनिट्स. वो है एक कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख. जब महाराजा हरि सिंह थे रो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होने की जो एग्रीमेंट है उसको जब साइन किया उसने 26 अक्टूबर 1947 में, तो जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिया का पार्ट बन गया. तो आर्टिकल 370 इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए भी जोड़ा गया था ताकि ये जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, पॉलिटिकली जो आशाएं हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, उसको भी फुलफिल किया जाए. आर्टिकल 370 गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर. सो स्पेशल स्टेटस इसने दिया आर्टिकल 370. और द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसके तहत उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए और सेपरेट फ्लैग भी बनाए, राइट, और सेपरेट लॉ ऑफ सिटीजनशिप. सिटीजन्स वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन होते हैं उनके लिए भी अलग से एक लॉ बनाया गया. एंड और अभी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आर्टिकल 370 के अंदर ये माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, बट यहाँ पे उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग, सिटीजन्स के लिए अगर रूल ऑफ लॉस, और दिस बहुत ही स्पेशल स्टेटस मिला उनको. चेंजेस इन आर्टिकल 370 कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट बट विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो यहाँ पे आर्टिकल 370 पार्लियामेंट के थ्रू इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की सहमति से ही इसको चेंज किया जा सकता है, राइट. तो ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया इसमें डिफरेंट व्यूज आते हैं, राइट, टू अपोजिट व्यूज हैं. क्या क्या है वो व्यूज देखते हैं. The special status of Jammu and Kashmir has provoked two opposite reactions, right? So, इसने दो different opinions इन सामने लाए, reaction, different reactions सामने लाते. One view is that Article 370 should be scrapped and should be removed from the Constitution. राइट, एक व्यू ये भी है कि आर्टिकल 370 को निकाल देना, राइट, इसको मिटा देना और डिलीट कर देना
कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन से इसको स्क्रैप कर देना और निकाल देना आर्टिकल 370 को. एंड सम पीपल फेवर रिटेनिंग आर्टिकल 370 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में रहने देते हैं. तो ये टू डिफरेंट व्यूज यहाँ पे आता है. कुछ लोग कहते हैं इसको होना रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कुछ लोग इसको नकारते हैं कि ये रहना नहीं चाहिए. विच ऑफ द व्यू इज जस्टिफेबल, सो इनमें से कौन सी व्यू जस्टिफाइड है. In our opinion, special status given to Jammu and Kashmir under Article 370 should be maintained due to the following reasons. So, यहाँ पे जो special status दिया गया है, तो इसको Article 370 के तहत इसको maintain करना है. ये some reasons है. इसको किस तरह से maintain? Scrapping of Article 370 would be a breach of faith. So, scrapping, अगर Article 370 को निकाल देना, एक क्या होगा, एक उल्लंघन होगा, ब्रिच ऑफ फेथ, लोगों की जो विश्वास है उस विश्वास की उल्लंघन करना. जैसे कश्मीर के लोग और राजा हरि सिंह ने जब साइन किया था, उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने रखे थे, बहुत सारे प्रॉमिसेस थे. उस प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं होना और उनको धोखा देने का जैसे होगा, दैट इज अ ब्रीच ऑफ फेथ, नॉट ओनली विद द लीडर्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस बट ऑल्सो विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगर हम आर्टिकल 370 को निकाल देते हैं तो ये बहुत बड़ी एक धोखा होगा, बहुत बड़ी एक ये फेथ को उल्लंघन करने के जैसे काम होगा. और ये एक जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए और पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए. इवन आर्टिकल 370 कैन बी स्क्रैप्ड ओनली बाय द मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो आर्टिकल 370 है, इसको अगर हम एक मेथड से ही निकाल सकते हैं, एक अमेंडमेंट के द्वारा, एंड जो कि इतनी आसान नहीं है. ये जो नेशनल पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, CPI है, CPIM है, राइट, ये कम्युनिस्ट पार्टी भी हैं, और ये फेवर द रिटेंशन ऑफ आर्टिकल 370. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टिकुलरली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड प्रीएम्बल आर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस. राइट, हमारे इंडिया के जो ये प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ से भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये कुछ मॉडिफिकेशन के साथ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है. एंड अंडर फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1963 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. एंड यहाँ पे ये क्या, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड फाइनल कोर्ट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. राइट, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो है वो सुप्रीम है, वो फाइनल कोर्ट है, इवन वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी. सो आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 357, यहाँ बहुत सारे आर्टिकल जुड़े हुए होते हैं, एक को बचाने के लिए, एक को हटाने के लिए, बहुत ऐसी. The Indian Constitution हैव बीन एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर. द फाइनेंशियल रिलेशन, जो फाइनेंशियल रिलेशन था, और एक जो ये व्यू है, एक व्यू तो सपोर्ट में, एक व्यू उसके अगेंस्ट में है. द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड जम्मू एंड कश्मीर आर द सेम एज आर बिटवीन द यूनियन एंड अदर स्टेट्स. सो जो फाइनेंशियल रिलेशन, ये तो सेम है जम्मू एंड कश्मीर के साथ और अदर स्टेट में जैसे भी होते. ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन रिगार्डिंग आर्टिकल 370, इट इज क्लियर दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बट इट एंजॉय स्पेशल स्टेटस एंड ए यूनिक पोजिशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इससे हम देखते हैं, जब फाइनेंशियल भी जिस तरह से वो सपोर्ट इंडियन यूनियन से मिलता है, जैसे कि अदर स्टेट्स को मिलता है, इसके तहत हम अगर देखें इस डिस्कशन से, तो जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिया का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इंडियन यूनियन का एक पार्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन
के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान संविधान के तहत इनको एक स्पेशल स्टेटस और एक यूनिक पोजीशन मिल रखा है. अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट इजी टू स्क्रैप और टू डिलीट राइट आर्टिकल 370. आज के जो सिचुएशन के अनुसार इसको हटाना बहुत ही मुश्किल है. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर डिमांडेड द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370. राइट, जब यहाँ पे जब गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट और वहाँ के लोग और ये जब और पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जब वो बात करेंगे, एग्री हो जाएंगे कि आर्टिकल 370 को हटाना, तभी हट सकता है. लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई, राइट, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको हटाने में कामयाब रहे. राइट, और उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रोल ऑफ कांग्रेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. हैव ए नाइस डे. हाय एवरीवन, हाउ ऑल आर यू? वेलकम टू द सुधीर सर क्लास. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू सजेस्ट मी एंड कमेंट अबाउट द वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग.